मेरा नाम सुलोचनी यादव है। मेरा नाम प्रिया यादव है। मेरा नाम गायत्री यादव है। मेरा नाम राधा यादव है। मेरा नाम कुमारी नेहा बैकरा है। मेरा नाम स्मिता सिंह है। मेरा नाम गीता सिंह है। मेरा नाम लेवंती राजवाड़ी है। पहले हम लोग कपड़ा का यूज करते थे, सूती कपड़ा का, तो मतलब कई तो परेशानी आता था और बहुत सारे महिला को भी जैसे कि बच्चेदानी का मतलब वो चीज़ बीमारी के बारे में बहुत जन को शिकायत भी रहता था। ये सब के गंदा कपड़ा कहीं की यूज करते थे। ये गांव बहुत ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा पीछे था और खासकर ये जो बात है महावारी वाली, तो काफ़ी महिलाएं, काफ़ी क्या, गांव की सारी महिलाएं ही, चाहे लड़कियां, महिलाएं, बहुत ही ज़्यादा शर्माती थी इस बात को लेकर। और जैसे प्रिया बताई कि हम लोग काम करना शुरू किए तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। गाँव की महिलाएँ इस बात से मतलब सहमत नहीं थी, तो अब सब जानती हैं कि हाँ मतलब जो बैड है वो हम लोग के लिए अच्छा है। मैं पहले पैड यूज नहीं करती थी। मम्मी जब दुकान से लेकर आई तो यूज करने लगी। फिर मैं भी पहले यूज करना नहीं जानती थी। फिर मम्मी से पूछी, फिर बताई, तो मैं भी यूज करने लगी हूँ। और मेरे अगल बगल में है उन लोग भी अब यूज करने लगे हैं। मैं बोली कि पैड ही यूज करना, कपड़ा यूज मत करना, तो उन लोग भी पैड ही यूज करने लगे हैं। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि कपड़ा यूज ना करके पैड ही यूज करें। जब से नेफ्री पैंट नहीं था तो मैं कपड़ा ही यूज करती थी, तो मुझे कपड़ा में थोड़ा परेशानी होता था। फिर स्कूल में सिनेफ्री पैंट मिलने लगा तो फिर मैं यूज कर की तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बट मेरी माँ बोलती थी कि सिनेफ्री पैंट यूज मत करना, बोलती थी बहुत गंदा चीज़ है ऐसा। फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे सर लोग बताते हैं कि सिनेफ्री पैंट अच्छा है। हम लोग पहले कपड़ा यूज करते थे, उसमें से पहले नुकसान भी होता था और अब सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उसमें अभी फायदा भी होता है। मेरा नाम पवित्रा प्रधान है। मैं अंबिकापुर सरगुजा साइंस ग्रुप पे काम करती हूँ। पूरे सरगुजा जिला में हमारा काम चल रहा है सैनिटरी पैड का। स्कूलों में 15,993 बालिकाओं को फ्री में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे गांव के पवित्रा प्रधान दीदी और उनके ग्रुप हर महीने हम सभी गर्ल्स को सैनिटरी पैड फ्री में देती हैं, जिसका हमारे हेल्थ के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल है, फायदेमंद है, जिसका हम इस्तेमाल हर महीने करते हैं। मेरा नाम मंगीता है और हम लोग हर महीना सैनिटरी पैड वितरण करते हैं। गांव में हर घर जाके 11 वर्ष से 45 वर्ष के महिलाओं को देते हैं। मेरे ग्रुप का नाम गर्ल्स ऑन फायर ग्रुप है। हम लोग सरगुजा साइंस ग्रुप से मिलकर दो साल से काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग गांव में फ्री सैनिटरी पैड वितरित करना शुरू किए। इसके बाद थोड़ा बहुत उसका रेंज रखना शुरू किए, 5 रुपये। शुरू में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इसमें, जैसे कि महिलाएं लेना नहीं चाहती थी, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। पर धीरे धीरे हम लोग काम करते करते इसमें आगे बढ़े, लोगों को समझाना शुरू किया, महिलाओं को। कुछ 2-3 महीने तक हम लोगों ने फ्री में दिया इसको। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको यूज़ ना करने से क्या क्या नुकसान होते हैं कपड़ा वगैरह यूज़ करने से, उसके बारे में बताया।
इसके बाद धीरे धीरे उन लोग सब लेना शुरू किए और हम लोग आसानी से सबको दे सकते हैं। जब हम लोग स्टेपी का इस्तेमाल किए तो बहुत फायदा हुआ हम लोग को। पहले हम लोग जब स्टार्टिंग किए तो कोई हम लोग को हंसता था, सब हंसते थे। जब हम लोग पैड लेके जाते थे घर घर पे तो हम लोग हम लोग पे हंसते थे कि तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो करके। फिर पहले स्टार्टिंग बहुत बुरा लगने लगा, फिर धीरे धीरे अब अच्छा लगता है क्योंकि सब इसको इसके बारे में जान गए, इसको यूज़ किए, तो अब सब बोलते हैं कि नहीं लाइए। जो पीरियड्स का समय होता है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दौर का होता है, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैं हर महीने इस चीज़ से गुजरती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चियाँ इस समय में अच्छे से रहें, अच्छा खान पान करें, खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि एक स्वस्थ नारी ही भारत और अपने देश का विकास कर सकती है। यदि वह जागरूक है तो आने वाली पीढ़ी को भी वह जागरूक करेगी। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं ये बदलाव अपने स्कूल में, विद्यालय में देख रही हूँ। और क्या है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये महामारी की वजह से बच्चियाँ स्कूल आना बंद कर देती थी, उनके लेक्चर्स छूट जाते थे, अब वो खुशी से आती हैं, हर एक्टिविटी में 100% पार्टिसिपेट करती हैं और ये बहुत अच्छा बात है। और हम अब धीरे धीरे अपने स्कूल से बाहर गांव की महिलाओं की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि महिला जागरूक है, शिक्षित है और यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक है तो वो अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक कर सकती है। मैं जब शुरू में कपड़ा यूज करती थी तो उसको धोने में और फिर उसको धो के सुखाने में बहुत झिझक लगता था, इधर उधर कहाँ सुखाएं। और वही कपड़ा बार बार यूज करने से इन्फेक्शन होता है, जिससे कि अगल बगल दाने आ जाते हैं, खुजली होती है, फिर हमें पैड वितरण होने लगा। पैड वितरण से पैड यूज करना बहुत ही आसान होता है और उसमें कोई झिझक नहीं रहता है कहीं भी आने जाने में। मैं भी पहले कपड़ा का ही यूज करती थी, जिससे कई तरह की परेशानियां भी होती थी, जैसे चलने में भी परेशानियां होती थी, चलने में, बदलने में, चेंज करने में, ऐसी बहुत सारी परेशानियां भी होती थी। और हमें स्कूल आने में भी झिझक होता था कि हम स्कूल जाएंगे कि आ गया तो फिर स्कूल आएंगे, कि पढ़ाई में करने में भी परेशानी होती थी कि हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में, हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि कपड़ा यूज करने समय दाग लगने के डर रहता था। और जब से मैं पैड यूज करना शुरू की हूँ तब से ऐसे किसी भी तरह की परेशानियाँ मुझे नहीं होती है और मैं खुद को एकदम स्वस्थ और सुरक्षा महसूस करती हूँ। और मैं सरगुजा साइंस ग्रुप को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे तक निःशुल्क पैड वितरण किए। जब यहाँ पर मैं आई थी उस समय ये स्कूल में बिल्कुल भी कोई लेडीज स्टाफ नहीं थे, मतलब मैं पहली ऐसी महिला थी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी। और यहाँ की सारी जो मतलब जितने भी जो कर्मचारी थे वो मतलब चपरासी से लेकर टीचर तक सब के सब जेंट्स थे, है ना। तो यहाँ पर लड़कियों को मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा महामारी के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी मुझे भी परेशानी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बात को किसी से कह नहीं सकती थी। ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पर क्या करती थी, जब भी मतलब महामारी का समय आता था तो वो लड़कियाँ जो हैं स्कूल आना छोड़ देती थी। कई बार मुझे मतलब पूछना भी पड़ा बच्चों से कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो लड़कियां बताती थी कि मैडम हम लोग के पास यहाँ साधन नहीं है कि हम कहाँ मतलब कपड़ा चेंज करें, कभी हमको डर भी लगता है कि कभी गीला हो रहा है कपड़ा तो इसके डर से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो फिर मैं इस बात को अपने यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ के जो समय प्रचारित थे जमील सर को मैं इस बात को कही थी, तो जमील सर बोले कि मैडम अभी इसमें मैं क्या कहूँ क्योंकि अभी तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है बोले। और हम लोग मतलब उस समय मतलब थोड़ा सा संकोच था मन में कि मतलब कैसे हम सीधा यहाँ पर ना पैड वितरण करें या फिर उसको रख दें, तो सर ने कहा कि देखिए अगर उस समय में लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है तो आप लड़कियों को छुट्टी दे देंगी। तब मैं मतलब लड़कियों को छुट्टी दे देती थी लेकिन फिर भी मेरे अंदर यही समस्या रहता था कि मैं बच्चों को इसके बारे में कैसे कहूँ या क्या बोलूँ, उनको समझ में नहीं आ पाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं बच्चियों के साथ में मतलब साथ बैठने लगी उठने लगी तब मुझे पता चला और बच्चियाँ धीरे धीरे मुझे कहने लगी और मैं उस टाइम में उनको क्या करती थी, छोड़ देती थी, मतलब छुट्टी दे देती थी उनको। उसके बाद में जैसे ही मतलब 2018 में मैं मौर्या सर से जुड़ी सरगुजा साइंस ग्रुप के तहत, तो मौर्या सर ने ही मुझे आकर के बताया कि मैडम हम लोग पैड का निःशुल्क मतलब वितरण करते हैं तो आपके स्कूल को भी आज से मतलब हम लोगों ने शामिल कर लिया है।